तो हमारा जो टारगेट है 5800 को, इसको डबल करना, और आज मैंने ये कर भी दिया है, और कैसे किया है वो सारा चीज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि मैंने इसमें कैसे ट्रेड लिया है और कैसे मैंने यहाँ पे डबल किया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड का ज्ञान। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रॉफिट को देख के यहाँ वीडियो पे आए हो तो दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में जो हम लोग ट्रेड लेते हैं बेसिकली कोई, देखिए यहाँ पे टफ चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में प्रॉफिट बनाना बहुत टफेस्ट काम है, बट दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली प्राइस एक्शन का प्रेफर करता हूँ। प्राइस एक्शन को मैं देखता हूँ, देन उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे जितना का ट्रेड लिया मैंने उतना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा यूज़ मार्जिन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए 5800 रुपये का ये यहाँ पे यूज़ मार्जिन लगा है मेरा, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी जो है 50 का लिया है बैंक निफ्टी का। मैंने बैंक निफ्टी 39,000 का क्यों सी बाई किया है वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट लाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। पे हमारा जो एवरेज प्राइस है वो देख सकते हो 116 रुपये के एवरेज प्राइस पे हमने बाई किया, और हमने यहाँ पे देख सकते हो हमारा LTP अभी क्या चल रहा है, तो अभी देख सकते हो 218 रुपये का LTP चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग को, प्रॉफिट देखने से पहले आपको प्रोसेस को समझना होगा कि आखिर जो मैं ये प्रोसेस पे जो बिलीव करता हूँ प्राइस एक्शन पे, मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूँ आप लोग कैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों यहाँ पे चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने सी क्यों बाय किया है, ठीक है। जो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एंट्री कैसे लिया था वो आप लोग देखिए, मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन कर रखा है, ठीक है, 116 के प्राइस पे यहाँ पे बाय किया था। अब देखिए मैं कैसे यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट किस तरह से मूव करता है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैंने जो पिविट्स पॉइंट यहां पे इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है, इससे मुझे काफ़ी हद तक यहां पे जो है बेनिफिट मिलता है ट्रेड लेने में, ठीक है। मैं वन सेकंड में दिखाता हूं, ये देखिए पिविट्स पॉइंट स्टैंडर्ड जो है इसे आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी ट्रेडिंग व्यू ऐप में या किसी भी चार्ट पे। इसे अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे दिखा कि यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज था और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ली थी, ठीक है, 76 के प्राइस पे लिया था। यहाँ पे देखो 116 रुपये के प्राइस पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे एंट्री क्यों लिया, अब मैं आपको क्लियर कट दिखाता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों देखिए एक आपको मैं ब्लैक साइडों से आपको दिख रहा होगा, ये पे जो मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, आप मेरा कर्सर देखिएगा यहाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक वाला लाइन आपको दिख रहा है, देखिए ये पिछले कई कैंडल जो है इस पर सस्टेंड की हुई है, ठीक है, और सस्टेंड की, और दोस्तों यहाँ पर एक रेड कैंडल बना इस लाइन पे, तो हम लोग ने एंट्री नहीं किया था इस पर। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे सेकंड कैंडल ग्रीन बनी लेकिन उसका क्लोजिंग भी वहीं पे दे दिया था, हमने तब पर भी बाय नहीं किया, हम एक बुलिश कैंडल का यहाँ पे वेट कर रहे थे। थर्ड जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनी है, हम लोग यहाँ बाय कर सकते थे, बट दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया था जिस कारण से मैंने यहाँ पर बाय किया था, देख सकते हो 116 के पॉइंट पर यहाँ पर बाय किया था। वन सेकेंड, 116 रुपीज़ के यहाँ पर अराउंड यहाँ पर बाय किया था, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही मूव किया दोस्तों यहाँ पे मैंने बाई किया था, देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, देन उसके बाद दोस्तों जो है कितनी बड़ी उछाल यहाँ पे देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पे पिविट्स पॉइंट को इनेबल करने से हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि हमें रेजिस्टेंस भी पता चल जाता है अगला, और सपोर्ट भी मालूम है क्या सपोर्ट रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर आके एक रेजिस्टेंस लेवल पर आके मार्केट सस्टेंड की है, देखिए यहाँ पर इसका जो हाई जो है यहाँ तक लगा चुका था, देन दोस्तों मार्केट के क्लोजिंग की बात करें तो कुछ रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो हो सकता है दोस्तों मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन हो आज के दिन, तो यहाँ पे आपको देखने की सकता है कि मार्केट यहाँ से या तो नीचे जा सकती है या तो ऊपर जा सकती है, ठीक है। मैंने ये ट्रेड जो लिया था ये मैंने लिया था कल के दिन, यानी कि 24 अगस्त को लिया था, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 25 तारीख को, 25 अगस्त को। जो स्ट्रेटजी था मैंने यहाँ पर सिंपल, मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, मैंने पिविट्स पॉइंट का यूज़ किया यहाँ पर, और मैंने इस तरह से प्रिडिक्ट किया मार्केट को। दोस्तों आप अगर और भी सीखना चाहते हो इसी तरह के लर्निंग, लोग जो है यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा माइंड का ज्ञान। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी 9:21 हो चुके हैं, और आज का मैं डेट दिखा देता हूँ आपको, तारीख 25 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, थर्सडे का दिन है। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हो मैंने इसे, जैसे कि आपको बताया कि बैंक निफ्टी 39,000 का सी मैंने बाय किया था, और मैंने होल्ड पे इसे रखा था, डिलीवरी में लिया था, तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे जो है 5000 से यहाँ पे 9600 का प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये स्ट्रेटजी इसमें यूज़ की है, आप भी इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो, देन उससे आप जो है अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह के आगे भी आप लोग को स्ट्रेटजी शेयर करता रहूँ, तो आप लोग इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।
सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम चलते हैं अब बैंक निफ्टी का व्यू देखते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू हम लोग ओपन करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें कन्फर्मेशन मिले। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गैप अप ओपन हो चुका है मार्केट आज का, जिससे कि हमें यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे पिविट्स पॉइंट का यूज़ करूँगा। ठीक है, मेरा वन सेकेंड पिविट्स पॉइंट में जाता हूँ, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये पिविट्स पॉइंट स्टैंडर्ड है, इसे यूज़ करता हूँ मैं ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसे डेली पे कर दूँगा मैं इसे, और इसको मैं फिबोनाची कर दूँगा और बाकी सबको रहने देता हूँ। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो R2 लेवल है वो भी अचीव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। देन हमारा प्रॉफिट जो है और भी इंक्रीज़ होता दिख रहा है। अब तो हम जो है अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है और थर्सडे के दिन में मार्केट जो है नीचे जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। और क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे होल्डिंग में लिया है, तो ज़्यादा देर वेट करने से हमारा माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे लालच नहीं करना है और हम लोग यहीं पे जो है प्रॉफिट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, और जितना भी प्रॉफिट होता है मैं इसे ज़रूर घर लेके जाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा जो है 10,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, और मेरा जो टारगेट था जो कि मेरा डबल करने का, वो मैं कर चुका हूँ। तो भी मैंने कितना रुपया लगाया वो देख सकते हो, और मैंने प्राइस जो लिया है इसमें 116 रुपये के प्राइस पे लिया और 332 रुपये का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे जिस हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा जो है R3 लेवल भी अचीव होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड देखा, जिससे मुझे लगा कि मुझे मार्केट यहाँ पे और भी ऊपर जा सकता है। देन यहाँ पे मैंने होल्ड रखा अपना पोजीशन। देन दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपना जो पोजीशन होल्ड क्यों रखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेसिक जो मैं पिविट्स पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ उसमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है बुलिश है, और मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश दिख रहा है, और ये R2 लेवल पे सस्टेन कर चुका था, जिस कारण से हमने यहाँ पे एंट्री जो है अपना बनाए रखा और यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया हमने। ठीक है, तो वन सेकेंड मुझे यहाँ पे फिर से पिविट पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पिविट्स पॉइंट जल्दी से लगा लेता हूँ, पिविट पॉइंट स्टैंडर। वन सेकेंड ये लग गया है, और वन सेकेंड इसको ठीक करना, इसको दोस्तों यहाँ पे आपको जो है फिबोनाची कर देना है, आपको इसे याद रखना होगा। ठीक है, बेसिक सा चीज़ है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे सस्टेन कर चुका, अब दोस्तों यहाँ पे मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए R2 लेवल हमारा अचीव हो चुका है। मैंने वेट करने का दोस्तों मेरा यही मकसद था कि यहाँ पे देखिए सेकंड वाला कैंडल जो है ग्रीन बन चुका था और इसके ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा था, तो हमने यहाँ पे वेट किया। जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे R3 का लेवल का वेट कर सकता हूँ, बट दोस्तों मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट में अब आज जो है थर्सडे का दिन है, तो थर्सडे के दिन में दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो ऑलरेडी घटता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ जीरो ही होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो है यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ। इसी तरह का और भी वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी इसी तरह का मैं वीडियो आप लोगों तक लाता रहूँगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे एग्जिट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यह मेरा एग्जिट हो चुका है। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ मेरा आज का जो है प्रॉफिट यहाँ पे 12,555 रुपये का हो चुका है, और मैं और भी वेट कर सकता था यहाँ पे, और भी यहाँ पे मार्केट देखिए बुलिश जा रही है, बट दोस्तों यहाँ पे मैंने ज़्यादा यहाँ पे ग्रीड नहीं दिखाया है, बट मैंने यहाँ पे अपना जो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। आप भी चाहते हो यहाँ पे इस तरह का और भी प्रॉफिट जनरेट करना, तो यहाँ पे आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।